मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह सांसद हूं और मुझे कुश्ती अध्यक्ष के रूप में भी लोग जानते हैं। मैं अभी दिल्ली से आया हूं और लखनऊ से घर जा रहा हूं और मैं हरियाणा के जितने विशेष करके जाट समाज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज जो हमारे खाप पंचायतों के अध्यक्ष हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो विशेष करके जिनके बच्चे पहलवानी करते हैं, उन सभी को मैं ब्रिजभूषण शरण सिंह राम राम करता हूं। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मेरी बात भी आप तक पहुंचनी चाहिए और इसलिए मैं बहुत तैयारी करके कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। अभी गाड़ी पर बैठा तो हमने कहा जरा अपनी पहुंच बात मैं अपने बुजुर्गों तक पहुंचाऊं। एक कविता है, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, बात ऐसी करो जिसका आधार हो, जिसमें सिद्धांत हो और व्यवहार हो, नारियल की तरह, नारियल नारियल की तरह हो, कठिन ही भले लेकिन अंतस में मीठा भरा प्यार हो। ताता ताऊ, चाचा ताऊ, आप फोन की डिटेल हो, कभी मैंने इनको फोन किया हो, और चाचा ताऊ ये जो मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये दिन भी नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा समय था। चाचा ताऊ क्या कहूं मैं, कैसी कहानी बनाई, क्यों बनाई, ये बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, जिससे ये बीत चुके पहलवान नाराज हैं, ये लड़ाई मैं आपके जूनियर बच्चों के लिए लड़ रहा हूं। इनको सब मिल चुका, द्रोणाचार्य, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, लेकिन जो गरीब परिवार बच्चे विशेष करके हरियाणा, जो बच्चे ओलंपिक का सपना लेकर के चल रहे हैं, जिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए परिवार अपनी जरूरतों के कटौती करके कर्जा लेकर बादाम और घी का इंतजाम कर रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं ये लड़ाई आपके बच्चों की है। हम ये नहीं कहते कि आप
दिल्ली ना आओ, आओ दिल्ली। जो दिल में आपके आए वो करो, लेकिन इतना जान लो, मैंने पहले दिन कहा था, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा, मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था सिंगार नहीं था। चाचा ताऊ हमारी बात मत मानो, अगर आपकी कोई गांव की बिटिया लड़की पहलवानी करती हो तो एक मिनट अकेले बुला करके उससे पूछ लेना। कोई बच्चा पहलवानी करता हो, कैडेट का हो, जूनियर का हो, सीनियर का हो, एक मिनट अकेले में बुला करके पूछ लेना। और अगर वो कह दे कि बृजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बृजभूषण सिंह ऐसे ही हैं, तो जो इच्छा हो कर लेना, जो इच्छा हो कर देना, और जांच समाप्त होगी। ये मेरा अहंकार नहीं बोल रहा है, मैं आज अहंकार में नहीं बोल रहा हूं। मेरे सामने कौन है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानता हूं। 12 साल के अंदर मैंने कभी किसी बच्चे के ऊपर कुदृष्टि नहीं डाली। घर की हर समस्याओं से मुझे अवगत कराते थे, आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं, और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है, इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है, पूछो क्या ये दुराचारी है। इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले
मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया, मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं ये बताने का समय नहीं है, लेकिन महीना बाद, दो महीना बाद, तीन महीना बाद जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है, मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं, अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है, इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं, सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है, बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं। टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं, मैं मानता हूं कि प्रियंका जी, जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा बृजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा, आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा, जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। और फिर हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है, ना दिन है, ना तारीख है, ना तारीख है, ना फोटो है, ना वीडियो है, और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं, मैंने क्या क्या नहीं किया है,
क्या क्या नहीं किया है। चाचा ताऊ, मैंने किसी गरीब लड़की के मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है, मैंने गरीब बच्चों की मदद की है, मैंने किसी के साथ अलग से फोटो नहीं खिंचाया है। आपकी माताएं, बहनें, बेटियां, आप पूछो कि कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं जो 90-90 साल की हैं, जब अपने बच्चियों के साथ जाती थी तो मैं उनको, बुजुर्ग माताओं को अपने बगल में बैठाता था और सारे हिंदुस्तान को उदाहरण देता था, देखो ये बूढ़ी माँ आई है, ये अपनी नाती को साथ लेकर के आई है, अपने बेटे को साथ लेकर के आई है। अगर चाहते हो कि देश की कुश्ती आगे बढ़े, देश का खेल आगे बढ़े, तो इस हरियाणा की बूढ़ी माँ से आशीर्वाद लेने का काम करो और इसके नक्शे कदम पर चलने का काम करो। ठीक है, आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना, पांच महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। चाचा ताऊ, किसी स्वाभिमानी आदमी के चरित्र को मार दो, वो आदमी स्वयं मर जाएगा। आज यही हो रहा है, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, अपना सब कुछ दांव पर लुटा दिया। चाचा ताऊ, भारत की कुश्ती बढ़ाने के लिए मैंने कम से कम अपने जेब से 25-30 करोड़ रुपया खर्च करने का काम किया है। इन्हीं खिलाड़ियों से पूछो, जब ये जाते थे, विशेष करके कैडेट और जूनियर के खिलाड़ी जब कभी विदेश में जाते थे तो मैं पहले ही बता देता था, जो गोल्ड मेडल लाएगा उसको $200 दूंगा, जो सिल्वर लाएगा उसको $150 दूंगा, जो ब्राउन चलाएगा उसको $100 दूंगा। नहीं होता था, ये मेरा स्वयं के तरफ से होता था। ये जितने खिलाड़ी आज मेरे ऊपर जो रावण बता रहे हैं, कंस बता रहे हैं, दुराचारी बता रहे हैं, उनसे पूछो इसमें कौन सा बच्चा है जिसने मेरे हाथ से डॉलर न लिया हो। अचानक सब कुछ बदल गया जब मैंने एक नियम बनाया कि नेशनल में आना है, कैंप में आना है तो नेशनल खेलना पड़ेगा, ओपन नेशनल खेलना पड़ेगा, अगर नहीं खेलोगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मेरे चाचा ताऊ, कॉमनवेल्थ की टाइल देख लो, अगर इन हीरो पार्टी को विशेष सुविधा ना दी गई होती तो आज इनके पास कॉमनवेल्थ का मेडल ना होता। और मैंने महसूस किया कि अब नीचे के बच्चों को ऊपर लाना है तो ये जो अस्त विशिष्ट स्वाभिमानी जिनको सब मिल चुका, इनको कोई नियम में छूट नहीं दूंगा। इनको जैसे एक सामान्य बच्चा पहले जिले में लड़ता है, फिर स्टेट में लड़ता है, फिर नेशनल लड़ता है, फिर ट्रायल लड़ता है, वैसे इनको भी अपने डिपार्टमेंट को लड़कर आना होगा, नेशनल लड़कर आना होगा और ट्रायल में जैसे सब बच्चे कुश्ती लड़ते हैं वैसे इनको भी लड़ना पड़ेगा। वहीं से कहानी बदल गई। चाचा ताऊ, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, मान लो मैं झूठ ही बोल रहा हूं, लेकिन आपके गांव में कोई बच्चा हो
महिला पहलवान हो, पुरुष पहलवान हो, जो इन आंदोलनकारियों से थोड़ा सा अलग रहता हो, पूछ लो, वो आपको सच्ची बात बता देगा। मेरी इनकी कोई लड़ाई नहीं है, मैं पहलवानी नहीं करता, और जिस क्षेत्र का मैं पहलवान हूं उसमें भी कोई टकराव नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति उत्तर प्रदेश में करता हूं, अयोध्या में करता हूं, उसमें भी कोई टकराव नहीं है। ये जो टकराव बना है ना, ये गरीब परिवार के बच्चों के लिए बना है, क्योंकि मैंने उनके हक में कदम उठाने का फैसला किया है। चाचा ताऊ, मेरे खाप पंचायत के बुजुर्गों, मैं आपका सम्मान करता हूं, बात तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा जांच 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, 3 महीना चलेगी, तो बच्चे गलती कर जाए तो कर जाए, मेरे बुजुर्गों हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, आप गलती ना करो। जितना बुरा ये मुझे बना रहे हैं, उतना बुरा मैं नहीं हूं। अगर मैं बुरा होता, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं बहुत बड़ा चौधरी नहीं हूं, बहुत बड़ा किसान नहीं हूं, 6-6, 7-7 बार चुनाव जीता हूं। किसी ने कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता अगर किसी को अपने आंख का तारा बनाए हुए है तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। चाचा जीता हूं, किसी ने कहा है कि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता अगर किसी को अपने आंख का तारा बनाए हुए है तो उसमें कुछ सच्चाई होगी। चाचा ताऊ, मैं घर जा रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना, किसी जूनियर बच्चे से बात कर लेना। इनका काम तो खत्म है, खत्म है। ये जो कॉमनवेल्थ का मेडल करते हैं ना, बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये विनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती, और उठा करके वीडियो देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। चाचा ताऊ, मैं घर जा रहा हूं, मेरे मन में आया, मैंने कह दिया, और फिर एक बार कहना चाहता हूं कि हो सके तो एक बार अपने इस भाई की, बेटे की, भतीजे की आवाज सुनने के बाद किसी पहलवान से बात कर लेना, किसी जूनियर बच्चे से बात कर लेना। इनका काम तो खत्म है, खत्म है। ये जो कॉमनवेल्थ का मेडल करते हैं ना, बजरंग भैया की पूरी ट्रायल करा दी गई होती तो पता चल जाता। ये विनेश महारानी की पूरी ट्रायल करा दी गई होती, और उठा करके वीडियो देख लो। और साक्षी जी, आप भूल गई। जिस समय कुश्ती हो रही थी,
कोच ने आपको एक पॉइंट दिया था, एक पॉइंट, और जबकि चार पॉइंट था आपका। मैंने कोच से बोला नहीं, देखो फिर से देखो, चार पॉइंट, और तब आपको चार पॉइंट मिला था।